नमस्कार, इस समय आप सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जाट भवन से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला की पार्टी जन नायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो चुका है। पूरे हरियाणा में आज मंगलवार के दिन नए साल की शुरुआत पे जन नायक जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो आज से शुरू हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो दुष्यंत चौटाला के साथ जो INLD छोड़कर जननायक जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी, करनाल के सभी लोग आज यहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि लोकसभा प्रभारी फूलमती जी भी यहां पर पहुंची हुई है। इस समय ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की सेक्टर 12 में स्थित जाट धर्मशाला की, जहां पर जननायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हुआ है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की, जहां पर करनाल में लोकसभा प्रभारी फूलमती जी को बनाया गया है, वो आज यहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची है। करनाल के तमाम लीडर्स यहां पर मौजूद हैं और सदस्यता अभियान में क्या कुछ खास रहेगा इस बारे में बातचीत करने के लिए सबसे पहले फूलमती जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ रखा गया और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में हम अपनी पार्टी का दायरा भी बढ़ाएंगे, सदस्य भी बढ़ाएंगे और लोगों के अंदर जाके प्रचार भी करेंगे, ताकि हमारे पार्टी के प्रति उनका लगाव बढ़े और हमारी पार्टी में आए और ताकि हमारी सरकार बन सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर्वप्रथम तो आज नववर्ष के उपलक्ष में सभी को नमन, सभी का वंदन और सभी का अभिनंदन। आज हमने ये अपनी नए साल में नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ और लोग हैं, पूर्व विधायक नफे सिंह जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर? सर्वप्रथम तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और आज जो है हमारे लोकसभा प्रभारी फूलपति जी यहाँ पहुँची हैं। हमारी पार्टी का नेतृत्व दुष्यंत चौटाला जी के आदेश के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में हम जेन्युइन मेंबरशिप बना करके पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए आगे अग्रसर हैं। और आज से ही, पहली तारीख से ही आज पार्टी के सभी साथी जेन्युइन मेंबरशिप बना करके गांव-गांव जा करके मेंबरशिप बना करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जयप्रकाश कंबोज है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम जो नए साल पर शुरुआत किया है, क्या कुछ इस बारे में और पार्टी के नाम से क्या कहना चाहेंगे? आज नववर्ष के पहले दिन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो जन नायक जनता पार्टी बनी है, उसकी सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। सभी साथी मौके पर जाकर के सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। आज इनिशियल स्टेज पे इसको शुरू किया गया है और जल्दी ही हर एक गांव में, हर बूथ पर हमारा एक्टिव मेंबर होगा और हर जो एक्टिव मेंबर होगा वो अपनी कॉपी पूरी करके और पार्टी में कार्यालय में जमा कराएगा। हम आज दुष्यंत चौटाला जी की जो छवि है और जो उनका आज संगठन बनने जा रहा है और कुछ बन गया है, उसके आधार पर ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आने वाले समय में 10 के 10 MP भी हमारे जीते और विधानसभा में हमारा बहुमत हो और हमारी सरकार बने। जन नायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है, एक एक करके सभी पर चलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऐसे सर, सदस्यता अभियान के साथ साथ एक बूथ 10 यूथ का भी शुभारंभ आज किया गया है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता एक बूथ के लिए 10 युवा साथियों के नाम लिखकर बनाकर उनकी ड्यूटी लगाएंगे और पूरा हरियाणा के अंदर 1,76,000 के करीब युवा साथी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। क्या कहना है? यही कहना चाहते थे आज का प्रोग्राम के अंदर, जहां सदस्यता अभियान था वहीं एक बूथ के ऊपर 10 यूथ का प्रोग्राम भी, इस बार सदस्यता भी भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे की तरह पैसे में नहीं, सिर्फ उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने के लिए किया जो ताऊ देवलाल पर समर्पित है, जिनकी भावनाएं ताऊ देवलाल के तौर पे ही सारा जीवन लगाया हुआ है, उनके विचारों पर चलते हुए सदस्यता अभियान भी फ्री है और एक बूथ और एक यूथ पर एक्चुअल तौर पर, यानी कि सिर्फ कागजों तक हो, एक्चुअल तौर पर हमारे युवा साथी उसको पूर्ण तौर पर आज दोनों अभियान शुरू कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं दो अभियान है, हरपाल कलामपुरा है जिला प्रवक्ता, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर, क्या कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और क्या अभियान की शुरुआत की गई है? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज नववर्ष पे हमारी कवरेज के लिए आप यहां पहुंचे हैं और आपके माध्यम से सारे करनाल वासियों को और हरियाणा वासियों को मैं नववर्ष की बधाई देता हूं। हमारी जो जन नायक जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, इसमें एक बहुत खास बात यह है कि ये जन जो सदस्यता अभियान है निःशुल्क है, इसमें पार्टी कोई भी एक पैसा भी नहीं ले रही है
और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी की तरीके से सदस्यता अभियान है। उस आदमी का हर डाटा, फोन नंबर, ईमेल पार्टी के पास होगी और इसके अंदर कोई भी सदस्य फेक नहीं होगा। हमारे ऊपर के जो भी नेता हैं जब भी चाहें फ़ोन करके उस सदस्य से बात कर सकते हैं। उस सदस्य की पूरी सक्रियता पार्टी के अंदर होगी और ये जेन्युइन होगा। दूसरी पार्टी के तरह के फेक जो है सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। हर सदस्य पार्टी के प्रति समर्पित होगा, कार्य के प्रति समर्पित होगा। तो ये पार्टी दिन प्रतिदिन इस सदस्यता अभियान को गाँव के बूथ तक लेके जाएगी, शहर के बूथ तक लेकर जाएगी पार्टी। आज रात 12 बजे भाई दुष्यंत चौटाला ने लाइव पर आए थे और उन्होंने एक सदस्यता अभियान चालू किया था, उसी को कड़ी बढ़ाने के लिए आज बैन फूलोती एडवोकेट जो हमारी लोकसभा की प्रभारी है उसको आगे बढ़ा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आई है। ये सभी लोग आज हमारे पास इतना जन स्लैब उमड़ रहा है कि सभी के पास टेलीफोन आ रहे हैं सदस्यता बढ़ने के लिए और ये गाँव तक मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगे और सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। करनाल के सेक्टर 12 से इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दोबारा आपके बीच में पहुंचेंगे और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सदस्यता अभियान की जो करनाल के सेक्टर 12 से आज इसकी शुरुआत हुई है। जन नायक जनता पार्टी की तरफ से आज इसकी शुरुआत की गई है जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जाट धर्मशाला से देख सकते हैं। नए साल की शुरुआत में आज से इस अभियान की यह शुरुआत हुई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।